मेयर रौतेला ने किया विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास। सुशीला तिवारी अस्पताल में एसटीएच के उपनल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी दो दिन। अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा आक्रोश रैली का कल होगा आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शताक्षी गौतम। वक्त हो गया है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का। काठगोदाम के वार्ड नंबर 34 में मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने आज अमृत योजना के तहत सड़क, बिजली और पानी के लिए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। जहां अमृत योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को 100 रुपए पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा, तो वहीं नगर निगम के मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। उसका पत्र नगर निगम को मिल गया है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को आभार जताया है। इंदिरा विकास संकल्प यात्रा आज हल्द्वानी के वार्ड नंबर 9 आनंदपुरी पहुंची, जहां कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदेश का फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सुमित हृदेश ने कहा कि दिवंगत नेता इंदिरा हृदेश ने हल्द्वानी विधानसभा का विकास कर्मठता से किया और भविष्य में भी स्वर्गीय इंदिरा हृदेश के विकास कार्यों को वो उन्हीं की शैली में आगे बढ़ाने का अपना संकल्प जारी रखेंगे। हल्द्वानी में आज सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपनल कर्मचारियों ने बड़ी तादाद में अपना आक्रोश जाहिर किया। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं आई है। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का और शोषण का आरोप लगाया। 5 और 6 जनवरी को लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन संचालित नहीं होगी। एक्सप्रेस ट्रेन का 2 दिनों तक संचालन निरस्त रहेगा। इस वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ पंकज सिंह के अनुसार लखनऊ से एक्सप्रेस ट्रेन 5 और 6 जनवरी को संचालित नहीं होगी, जबकि काठगोदाम से 6 और 7 जनवरी को ट्रेन नहीं चलेगी। हल्द्वानी में कल अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा आक्रोश रैली आयोजित करेगी, जो हल्द्वानी की त्रिकोणीय से एसडीएम कार्यालय तक रैली जाएगी और विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजेगी। ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल पंडित ने कहा कि लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है, जिसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में भुगतना पड़ेगा। तो आज की हल्द्वानी की मुख्य खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अनेक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।